नमस्कार, विद दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। बिहार को मिला 1.25 लाख करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की। मोदी ने आरा के रमना मैदान में 6200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली बक्सर पटना 4 लेन 22 कौशल विकास केंद्र के अलावा 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद बिहार के विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्य में पूर्व से चल रही योजनाओं के तहत 46,657 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक मिश्रा को जान से मारने की धमकी मिलने के कुछ दिनों बाद दिल्ली पुलिस को उच्चतम न्यायालय पर बम हमले की धमकी संबंधी एक ईमेल मिला है। मेल के बाद तिलक मार्ग पर अदालत के परिसरों में और इसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति मिश्रा उच्चतम न्यायालय के उन 3 न्यायाधीशों में शामिल हैं जिन्होंने 1993 में मुंबई में हुए बम विस्फोटों के दोषी याकूब मेमन की फांसी के खिलाफ अंतिम याचिका खारिज कर दी थी। पुलिस ने कहा कि यह मेल एक व्यक्ति को मिला था जिसने उसे पुलिस को भेज दिया। उस व्यक्ति की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है। नावेद के साथियों पर 5 लाख का इनाम स्केच जारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बीएसएफ के काफिले पर हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद नावेद उर्फ उस्मान के 2 साथियों के स्केच जारी कर उनके बारे में सूचना देने के लिए 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। नावेद को इस हमले के बाद स्थानीय लोगों की मदद से जीवित पकड़ लिया गया था। उसका एक साथी मुठभेड़ में मारा गया था। इस हमले में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए थे। एनआईए ने जिन 2 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं उनमें से एक जरगम उर्फ मोहम्मद, जिसकी उम्र 38 से 40 वर्ष है, वह पाकिस्तान के हजारा खैबर का रहने वाला है। दूसरे आतंकवादी का नाम अबू है, उसकी उम्र 17 से 18 वर्ष है और वह भी हजारा खैबर का ही रहने वाला है। राष्ट्रपति की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी का निधन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी का मंगलवार को यहां निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थीं। राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता ने बताया कि श्रीमती मुखर्जी ने 10:51 पर अंतिम सांस ली। श्रीमती मुखर्जी को गत 7 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ के कारण राजधानी के रिसर्च एवं रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी बीमारी की खबर सुनकर राष्ट्रपति ओडिशा का अपना 2 दिवसीय दौरा अधूरा छोड़कर लौट आए थे। इंडोनेशियाई विमान में सवार सभी 54 लोगों के शव मिले। इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत के पर्वतीय क्षेत्र में 2 दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त हुए त्रिगना हवाई सेवा के यात्री विमान में सवार सभी 54 लोगों के शव मिल गए हैं। तलाशी एवं बचाव दल ने विमान का ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय तलाशी एवं बचाव एजेंसी ने आशंका जताई कि ATR-42-300 विमान नदी में गिरने से पहले बिंटैंग पर्वतीय जिले में किसी पहाड़ी से टकराया होगा। विमान में सवार सभी लोग इंडोनेशिया के नागरिक थे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।